अब हम आपको एक ऐसे खतरे के बारे में बताएंगे जिसमें सावधानी ही आपको बचा सकती है और कोई नहीं बचा सकता। और मेकअप की शौकीन महिलाओं को तो ये खबर जरूर देखनी चाहिए, और ये खबर उन युवाओं के लिए भी बहुत जरूरी है जो सोशल मीडिया स्टार बनने के लिए खूबसूरती पर बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं और कॉस्मेटिक्स का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। चेहरे को खूबसूरत बनाने में इस्तेमाल होने वाले कॉस्मेटिक्स जैसे लिपस्टिक, आई शेडो और मस्कारा में एक जहरीला केमिकल पाया गया है जिससे आज हम आपको सावधान करना चाहते हैं। एनवायरमेंटल साइंस एंड टेक्नोलॉजी में प्रकाशित हुई एक स्टडी में यह बताया गया है कि मेकअप प्रोडक्ट्स में एक जहरीला केमिकल जिसे फ्लोरीन कहते हैं ये मिला हुआ है। ये स्टडी कैलिफोर्निया के ग्रीन साइंस पॉलिसी इंस्टीट्यूट ने की है और इस संस्था ने दुनिया के 70 से ज्यादा जाने माने कॉस्मेटिक ब्रांड्स पर यह स्टडी की है। कॉस्मेटिक्स में पाया गया कि फ्लोरीन एक ऐसा केमिकल है जिसका इस्तेमाल कीटनाशकों में किया जाता है और यह बहुत जहरीला रसायन है। इस केमिकल के संपर्क में आने पर आप कई तरह की गंभीर बीमारियों का शिकार हो सकते हैं। भारत में महिलाएं औसतन एक साल में 22 ग्राम लिपस्टिक खा जाती हैं और हमें लगता है कि इस लिहाज से यह रिसर्च बहुत डराने वाली है। आपको इस खतरे को कैसे पहचानना है, इससे कैसे बचना है, यह बताने के लिए इस पर एक खास रिपोर्ट आज हमारे पास है, आप देखिए। चेहरे पर मास्क है, होंठ नजर नहीं आते, लेकिन फिर भी महिलाओं में लिपस्टिक लगाने का शौक कितना है ये इन बाजारों में नजर आता है। रंग बिरंगी लिपस्टिक लगाने का शौक कितना खतरनाक है ये इन महिलाओं को नहीं मालूम है। जिस कोरोना वायरस के खतरे के डर से ये महिलाएं मुंह पर मास्क लगाए हुए हैं, उन्हें नहीं पता कि मास्क के अंदर भी एक जहरीला केमिकल उन्हें धीरे धीरे नुकसान पहुंचा रहा है। पहले जहाँ ज्यादा लिपस्टिक लेती थी लड़कियां, चार लेके जाती थी, अब चार की वजह एक लेती हैं, सोच के कि लगानी तो है नहीं, बस ऐसे ले लेते हैं। आप लगाती हैं लिपस्टिक? हाँ। तो मास्क लगाती हैं, पहले लिपस्टिक लगाती हैं? नहीं, लिपस्टिक भी लगाती हूँ, जब निकल जाती है फिर दोबारा लगा लेती हूँ। मास्क के नीचे लिपस्टिक लगाने से क्या तसल्ली मिलती है? हाँ, खुद को अच्छा लगता है ना कि लिपस्टिक लगाई है हमने। बिना लिपस्टिक के फेस मुझे अच्छा नहीं लगता है, तो अपनी तसल्ली के लिए मैं लगाती तो हुई, बाकी छूटेगी तो छूट जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। उसके ऊपर फिर मास्क लगाना? हाँ, कोई भी लगाई हुई है? हाँ, दिखाइए। महिलाओं को अपनी लिपस्टिक या कॉस्मेटिक से खास प्यार होता है, लेकिन हमारा फर्ज ये है कि हम आपको बताएं कि ये कॉस्मेटिक्स कैसे आपको नुकसान पहुंचा रहे हैं। अमेरिका की एनवायरमेंटल साइंस एंड टेक्नोलॉजी में प्रकाशित एक स्टडी में ये बात सामने आई है कि मेकअप से जुड़ी 231 चीजों के नमूनों की जांच की गई थी जिसमें 52% प्रोडक्ट्स में मिलावट पाई गई। वाटरप्रूफ मस्कारे के 82% ब्रांड, फाउंडेशन के 63% ब्रांड्स और लिपस्टिक के 62% ब्रांड्स में फ्लोरीन मिला है। फ्लोरीन एक ऐसा जहरीला केमिकल है जो आपके शरीर को अंदर से नुकसान पहुंचाता है और कई बीमारियों जैसे कैंसर, थायराइड और लिवर की बीमारियों का कारण बनता है। आप भले ही लिपस्टिक लगाकर खुद को खूबसूरत महसूस करती हैं, लेकिन यह खूबसूरती सिर्फ बाहरी है, क्योंकि इसमें मिला हुआ जहरीला फ्लोरीन आपको अंदर से खराब कर रहा है। आपको ये अपने दिमाग में ग्राहक को देखना ही पड़ेगा कि आप जितना कम मेकअप लगाएंगे उतना आपकी त्वचा खिलेगी, स्किन अच्छी रहेगी और आपको कैंसर, थायराइड, हार्मोनल प्रॉब्लम्स कम होंगी। इन सब में केमिकल होता है और अगर लगाना ही है, अगर फिर भी लगाना ही है जानते हुए कि ये जानलेवा चीजें हो सकती हैं ये प्रोडक्ट्स, तो इनको उतारें बहुत नेचुरली, दही से, बच्चों के ऑयल से, प्योर एलोवेरा जेल से, कि आप एक प्लांट अपने घर पे रख लें और उसमें से जेल निकाल के इन चीजों को यूज करें एज मेकअप रिमूवर, और जितनी जल्दी लगा के आप हटाएंगे उतना ज्यादा अच्छा रहेगा। हैरानी की बात यह है कि किसी भी कॉस्मेटिक के लेबल पर फ्लोरीन की जानकारी नहीं होती है। शोध में ये भी देखा गया है कि 88% प्रोडक्ट्स में सही जानकारी नहीं दी जाती है, इसलिए अगर आप कॉस्मेटिक्स का इस्तेमाल करती हैं, तो सावधान होने की जरूरत है। कहीं ऐसा ना हो कि खूबसूरत बनाने में इस्तेमाल होने वाले यही कॉस्मेटिक्स आपको अंदर से खोखला कर दें। दिल्ली से पूजा मक्कड़, जी मीडिया। वर्ष 2018 में आई
ग्लोबल जर्नल्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया भर में कॉस्मेटिक्स का इस्तेमाल बढ़ा है और इस वजह से इसके उत्पादन में इस्तेमाल होने वाले केमिकल्स की मात्रा भी बढ़ा दी गई है। मेकअप में इस्तेमाल होने वाले अलग अलग कॉस्मेटिक्स के अलग अलग साइड इफेक्ट्स होते हैं। अब हम आपको अलग अलग प्रोडक्ट्स में इस्तेमाल होने वाले इन्हीं केमिकल्स से होने वाले नुकसान के बारे में थोड़ी सी जानकारी देते हैं। बच्चों के पाउडर, लोशन और फेस क्रीम में जो यूरिया इस्तेमाल होता है वो स्किन से जुड़ी परेशानियां पैदा कर सकता है। ये आपकी स्क्रीन पर सारी डिटेल्स इस समय हैं। कॉस्मेटिक्स में हैवी मेटल्स भी इस्तेमाल होते हैं जिससे आपको पेट की समस्याएं हो सकती हैं, पेट की बीमारियां हो सकती हैं। स्किन क्रीम या मेकअप पाउडर में आर्सेनिक का इस्तेमाल होता है जो इंसान को लंग कैंसर जैसी बीमारी भी दे सकता है। हेयर क्रीम, लिपस्टिक या स्किन क्रीम में कैडमियम नाम का एक केमिकल इस्तेमाल होता है जो आपकी किडनी को कमजोर कर सकता है। इसका लंबे समय तक इस्तेमाल आपकी हड्डियों को भी कमजोर बनाता है। और कॉस्मेटिक्स या शैम्पू को ज्यादा समय तक बचाए रखने के लिए पैराबीन्स नाम का एक केमिकल इस्तेमाल किया जाता है जो कैंसर का कारण बन सकता है। ये कुछ केमिकल्स के नाम है जिनका इस्तेमाल अलग अलग कॉस्मेटिक्स में होता है। जरूरी यह है कि आप इनका कम से कम इस्तेमाल करें और अगर आपको किसी भी कॉस्मेटिक के इस्तेमाल से कुछ परेशानी होती है तो उसे आप शुरुआत में ही गंभीरता से लें और आपको अपने डॉक्टर से तुरंत मिलना चाहिए। Presenting the news app available on Google Play and App Store. Download it now.